अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह प्यारे दोस्तों, मैं तुहाड़ा अपना दोस्त अफदर हुसैन ते तुसां दे मेरा यूट्यूब चैनल अपना वसे। गर्मी यार वला वल आई है, इवें वेंदे वला वल आई, पता नहीं क्या वजह है। शदीद हबस थी पई है, मेरे शक्ल ने तुहाकू ॾिसदा पिया सी, मेरे वालें दी फूत ने तुहाकू ॾिसदा पिया सी कि वाल खराब थे वजन गर्मी की वजह कने। शदीद हबस थी गए, वाला बादल थी गए, पता नहीं क्या वजह है। तो पिछले लू रातें कने पहले दो त्रै राती शदीद मतलब सर्दी पौन पै गई है, चादर पा बांधा से, लेकिन पिछले दो राती वाला गर्मी थी पै गई, रात ही गर्मी है। ई टाइम भी फुल हबस थे खड़े। मैं आज गाल करे सा, हालात तो सामने हैं, दुबई दे अंदर बसरा मरीडी को कतल किया गया, शाका खख दे कतल दे इवज़ ना। ते मैं ई बेस के उत्ते गाल करे सा कि यार देखो, असा इंसान कितना बेहिस थी गए हैं, असा इतना बेहिस थी गए, सारा दिल मुर्दा थी चुके। असा वेंदे हैं बेदर्दी नाल इंसान कत्ल कर रहे थे ना, साइड ते थी वेंदे हैं, होए होए शाका खा कत्ल था नौजवान 33-35 साल का, बसरा मरीड़ी कत्ल था 35-40 साल एज। इवें मतलब है इंसानियत का कत्ल इवें थी ना पे रू अदे कोई इवें वहीं करें थे ना, जिमें एहसास मर गए इंसान को, इंसान नहीं समझेंदे वेंदन कत्ल कितने निकते वेंदन, ये नहीं सोचेंदे कि यार हिंदा फैमिली हो सी, हिंदा घर हो सी, हिंदे बच्चे हो सन, उन्हें ते क्या गुजर सी। कसम खुदा दी रोमन आंदे रोमन, असा इतना बेस है, सारा दिल है ना जरा ये मुर्दा थी चुके। अगर इंदे अंदर एहसास हो गया, अगर ये जिंदा हो गया ना, तो असा इंसान कत्ल करन ते दूर दी गल है, असा इंसान को एक धक्का भी ना देऊंगा, असा इंसान कत्ल कर देने हैं। अच्छा हुण मेरे ख्याल है उंदे कट्ठे हो कोई ना ही दसी पैन, भुखी है मेरे ख्याल च, भुखी है पता नहीं क्या बला है, मतलब उन्हें वह फली है मेरे ख्याल च, असल कौम उनकी जरवार है मेरे ख्याल च। तो सोशल मीडिया से इवें चलता पे ढेर तफसीर मेरे कने उनकी कह नहीं, तो वह बंदा चार पाँच उनके कट्ठे कोई पंजाबी है उतना, उन्हें कोई शराब पिला के नहीं दे, ते पहले वहीं करे थे ना, वह उनके उत्ते हमला कर रहे, वो बंदा तकड़ा है माशाला, कद बाडी वाला है, भिड़दा रह गया जवान का पुत्र, जल्द उनको पहली छुरी का वार किते ना पिछे उठ गए, वह जल्द डठे छोदा छुरी का वार, तो को पता जख्म इंसान को खा वेंदे, तो वह जल्द डठे पिछे चार पाँच बंदे हैं चढ़ गए सहदार के उत्ते, उनको कतल किए ने, कतल करते वाला निकलने की कोशिश की इन्हें, लेकिन उतों के कानून उतों का मुल्क मतलब उतों की पुलिस उन्हें इन्हें को काबू कर गई दे। एक मेरे ख्याल एयरपोर्ट के उत्ते गिरफ़्तार था, कुछ पता नहीं कितना किमें, अलबत्त चंद घंटे के अंदर वो गिरफ़्तार थी गए। अगें सुनते अस पाकिस्तान चो कतल कर रहे थे, लोग गैर मुल्क निकल पाता, हूँ गैर मुल्क जो कतल कर रहे थे पाकिस्तान मतलब निकलने की कोशिश करने का विह, लेकिन फड़िया गया। अच्छा वो जरे उतों फड़े गए मुक पैन, पाकिस्तान नहीं बल्कि उन्हें जमानत थी सन, पाकिस्तानी कानून नहीं बल्कि उन्हें कुछ जज छोड़ दे सन, वो हैं गुदा उतना भी पंजी निभा रहे फैसले थे, सऊदिया के अंदर मामला था कज़न को कज़न कतल किए, कसास दे पता नहीं कितना मिनट तरले सऊदिया के पूरे मुल्क, सऊदिया का शेख जरा ना वो तक रोंदा रह गया, बई माफ़ कर दियो, लेकिन गुरसा ने माफ़ नहीं किया, 20-22 निभारे अंदर फैसला था और उनको सर कलम किया गया, नौजवान बेरीश है कहीं गलती दे ना, बस बाई चांस उनका तो कतल थी कज़न का। तो मैं गल करना पा गैर मुल्क के कानून की, उतों के कानून सख्त हैं, उन्हें को सजाए मौत लाजमी, पक्की गल है, पक्की ठक्की गल, उन्हें सर कलम कर रहे उन्हें। अच्छा वो गए उतना ठीक है, बसरा मरड़ी एक कतल किए ने, उनके कतल दे बस मतलब उतना जो सजाए मौत थी सी, वो भुखी है एक दो त्रै चार पाँच बंद जितना भी हैं वो मुक सुते हैं, वो उतना रुल गए, वो जेड़ा इन्हें गल इतना ये पाया साफ जहरे मरीड़ी चुप तो ना रहा सन, आखिर वो भी जवान लोग हैं, गल कि भी खड़ सी, वो उतना जाए गया, उनका कतल जरा सजाए मौत थी सी, वो जाए गया इतना वाला जरा नुकसान आती सन, वो पता नहीं मिला कितने थी सन। असा सोशल मीडिया के उत्ते अजकल आ गए पूजे के उत्ते, फेसबुक के उत्ते एक वीडियो बना कर पूजा दे छोड़े, मैं यहाँ चक्रे सा, मैं वो चक्रे सा, तू कौन ही ये है तो वो है,
और फेसबुक ते वायरल तो थे भी नू, लेकिन ये नहीं से सोचेंगे पिछे वो सारे असारे नाल क्या थी सी, असारी फैमिली नाल क्या थी सी, असारे वरसा नाल क्या थी सी। अच्छा बसरा मरड़ी दी फैमिली यतीम थी गई, बाल यतीम थी गए, उनको कत्ल करना लेते बाल यतीम थी गए, फैमिली यतीम थी गई। वला जरा गुद हशर थी सी वो पता नहीं क्या थी सी। खुदारा खुदारा कुछ एहसास करना चाहिए यार, अपने ज़मीर को जिंदा रख कर दिल दिल का जरा दिल सारा उल्टा था पे सीधा कर कर नहीं देना इन को ईमान वाले पास अगर घेना ना असा ये कतलाम ये हशर ये पोजे ये पंगे ये झगड़े फसादात करने सारी जान छुट पोसी, लेकिन असा ही पासे नहीं से वेंदे असा को मैं असारी मारी वेंदी है, असा को असारी मैं मारी वेंदी है। सारे कहने चार पैसे हैं या कहना असा बाहर जल निकल सूँ इवें निकल सूँ ना कि मैं मेरे बगैर जमीन के उत्तर एक भी कहना मेरी बाप मैं कुछ जानी मैं दुनिया के उत्तर एक भी कहना अगर थोड़ा जहाँ बर्दाश्त। अच्छा बसर मरड़ी का शाका खाख दी मैं एक तस्वीर लेता पे हम कट्ठे बैठे हैं कहीं शादी वाली में उठे खाना खाते बैठे हैं और वो खुश खिलते बैठे हैं, खाना उन्हें अगर टेबल पर लगा पे ही खुश बैठे हैं अंदर साफ जहर उन्होंने बच्चे इख्तलाफात कितों थे कैं किते मुनाफिकें किते ना। अगर इन्हें मुनाफिकें दी मुनाफिकत कने अगर इंसान बच वे या उन्हें मुनाफिकें कोई शर्म आने चाहिए कि असा डू खान डू बंद जड़ा निसे पवेंदा पे डू कौमें अंदर जड़ा पवेंदे पे असा और एक इंसान का कतल पूरी इंसानियत का कतल है चाहे वह जुर्म तो है या कहने बेजुर्म है कुकु कतल करन पूरी इंसानियत का कतल है। अगर वो मुनाफिक सोचन चाह कि असा डू कौमें को बर्बाद करें दे पे उन्हें को बर्बाद करने के पहले थोड़ा जहाँ सोचन हाथ ये नौबत ना आवे हाँ शक कख गया कब्र में सुते कब्रों लभदा रही फिर आके टेरियाँ मिट्टी दियाँ सने आख्या लभदा रही फिर आके टेरियाँ मिट्टी दियाँ ठीक है ना उन मिट्टी मिट्टी कम दी कहनी उनका पोर चावन वाला ठीक है ना वह थां फड़ीज गया ठीक है ना वह जाए गया वला जेरे वह मरे सन। अच्छा उन्हें दी मतलब वीडियो आई पी बंदे दी जो कतल की देने कि यार असा बेकसूर इसे थोड़ी थोड़ी हवा चलती भी रूआ दे असा बेकसूर इसे असा सफाई सफाई देंदे हैं कुरान चाहते हैं तो वला भी वीडियो में सुनता पाया मी उनका मेरे ख्याल है शाह के खाख का कोई रिश्तेदार आ या बिरा आई नहीं जानता मैं वो आता भी तुस अगर बेजुर्म हो तो फिलाने फिलाने वीडियो पता नहीं क्या जिक्र उड़स की गया यार अगर खुदा की कसम में थोड़ा जहाँ अगर असं बर्दाश्त करूँ चाह ना मैं तो अदा सारे घर उजड़न कने तबाह थी वन रात में बैठा भी बुजुर्ग में मिसाल लेना पे हा जो प्यू पुत्र को नसीहत पे करें अबा रोटी मिठी खावी रोटी मिठी खावी पहली नसीहत की है दूजी नसीहत की है कि कंजरी को निंद्रो भी उठा ली त्रिजी नसीहतों की थी जहर पी वी ते बंदा हैरान थी गया कि क्या है इन्हें कहीं सियाने कने गया कि मेरे प्यू मैं को त्रै नसीहत कीतियां उन्हें मतलब मेरे को समझ नहीं आता पे हूँ पूछे हुआ कि भले क्या है क्या है वो पीछे दसा है भली पहली जरिए ना हुआ कि रोटी मिठी करते खावी दूजी जरिए ना कंजरी को निंद्रो उठा ली त्रीजी जरिए ना जहर पी वे जहर पीता करी अपनी जान ते मार के पीता करी ठीक है ना पिछे सियाणा को समझाने पै गया बाबा रोटी मिठी जरी कर ते खावी हुआ के दिन सारा कम करी वो कम करी जिथा तक थकावट थी वे तक पसीना थी वे तेरे जिसम को पता लगे मैं कम की देवी जल्द वो कम कर करी ते थका थकावट कने शरा बोर थी बस रोटी खाओ तक एहसास थी कि हाँ मैं मिठी रोटी खादा पा मैं वो रोटी तक हजम जल्दी थे सी और वो रोटी तक मिठी भी लगसी दूजी गाल जरिए ना वहाँ के कंजरी को निंद्रो भी उठा ली वहाँ के कंजरी को अगर इवें भी सुजाक भी देख सो तो मेकअप की पी वो पता नहीं सौ रंग बदले पी हो सी ते उन्हें रंगे कने बच के उनको जल में निंद्रो उठले से ना उनकी शक्ल रियल जरिए है ना जी मेरे बुढ़े पा मेरे मुँह थे रियल जरा उनका चेहरा है वो तेरे सामने उसी तो तेरा दिल ही नाक सी उन वन जिना करने वास्ते दिल नाक सी और त्रीजा जरा ना वहाँ के जहर पीवी जहर पीवन का मतलब है जो अपने गुस्से को बर्दाश्त करके अपनी जान देते मार वही अगर गुस्से को बर्दाश्त करो तो कामयाबी अगर वक्ती तौर थोड़ा जाना असा अपने गुस्से को अपने कावड़ को बर्दाश्त कर करें थे ना अपने जिसम के उत्ते मार लूँ तो ईमान ना इतना नुकसान असारे करा ना थी सन असारिया फैमलियाँ असारे बाल असारे बच्चे यतीम ना थी सन असारे माँ बेणी असारे माँ प्यू भिरा न रो सन न रुल सन वे असें दुआ कि अल्लाह पाक तुआ को सब अपने समान रखे। अस्सलाम वालेकुम।